कैश लेजर में अगर आपने कोई चालान एक्स्ट्रा पे कर दिया है या फिर रॉन्गली उसको पे कर दिया है, जो कि आप चाहते हैं या तो मैं उसका रिफंड ले लूं या फिर उसे किसी और वे से एडजस्ट कर दूं, क्या ये पॉसिबल है कि आप उसे किसी और वे में एडजस्ट कर दें, मीन्स अगेंस्ट किसी अदर हेड या फिर मेजर या फिर माइनर हेड, क्या ये पॉसिबल है? दूसरा क्वेश्चन कि क्या अगर ये पॉसिबल है तो मैं इसको किस वे से कर सकता हूँ? दोस्तों, इन सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन आज आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक अनाउंसमेंट से रिलेटेड बात करने वाला हूँ जिसमें बहुत ही बड़ी एक रिलैक्सेशन आप कह सकते हो या फिर बहुत ही बड़ी आपको सॉल्यूशन आपको मिल गया है, जिसमें आप ये कर सकते हो कि पहले अगर आप कैश लेजर का जो रिफंड लेते थे, एक्सेस कैश लेजर का रिफंड लेते थे, अब उसको आप किसी भी अदर हेड में एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों सही सुना आपने, उसे किसी भी हेड में एडजस्ट कर सकते हैं, इररिलेवेंट ऑफ मेजर और माइनर, आप किसी भी हेड में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, मैं थोड़ा आपको पहले बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड में ये था कि जब भी आप किसी मतलब मीन्स टैक्स वेयर हैं, आप किसी भी तरह का जब कैश पेमेंट आप करते थे जीएसटी पोर्टल पे, तो कैश लेजर में आप चालान के थ्रू पेमेंट करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि रॉन्ग टैक्स डिपॉजिट हो जाता था, जिस हेड में नहीं जमा करना चाहिए था उस हेड में आप टैक्स जमा कर देते थे, और आपके पास एक ही ऑप्शन बचता था, जीएसटी RFD 01 मीन्स रिफंड का फॉर्म फाइल करके उसमें ऑप्शन चूज करना, एक्सेस बैलेंसेस कैश लेजर। उस ऑप्शन को चूज करने के बाद आप रिफंड क्लेम कर लेते थे। बट बहुत से लोग ये भी चाहते थे कि मीन्स रिफंड का अमाउंट में बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता था रिफंड आने में। दूसरी बात, रिफंड का अमाउंट अगर छोटा हो तो लोग ये भी सोचते हैं कि मेरी जो लेट पेमेंट अगर आई है कोई, या फिर मेरी कोई पेनल्टी है या फिर इंटरेस्ट कोई लगा हुआ हो, मैं उसके थ्रू उसे एडजस्ट करा सकता हूँ। तो वो सोल्यूशन पहले नहीं था, बट जीएसटी पोर्टल ने एक नई अमेंडमेंट लाई है। उस अमेंडमेंट में एक फॉर्म उन्होंने आपको दिया है जिसका नाम है GST PMT 09। उस फॉर्म को फाइल करने के बाद आप सेम कैश लेजर को, उसको आप किसी भी अदर हेड में एडजस्ट कर सकते हो, इररिलेवेंट ऑफ हेड्स। मतलब अगर वो आपका मेजर हेड में किसी टैक्स पड़ा हुआ है या फिर इंटरेस्ट में पड़ा हुआ हो, अब उसे आप किसी भी अदर हेड में एडजस्ट कर सकते हो। कोई भी हेड मैटर नहीं करता, वो मेजर हो या फिर वो माइनर हो। दोस्तों, इसको करना कैसे है, आपको सबसे पहले अपने पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज में लेजर्स में, लेजर्स में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। कैश लेजर में आपको एक ऑप्शन वहां पे दिखेगा, फाइल जीएसटी फॉर्म PMT 09। उस फॉर्म को जैसे ही आप ओपन करेंगे, वो आपकी टिल द डेट अपडेटेड कैश लेजर बैलेंस को दिखाएगा। उसमें अकॉर्डिंग टू हेड वाइज दिखाएगा कि इस हेड में आपका बैलेंस पड़ा हुआ है। जैसे ही आप नीचे आएंगे, उसमें एक अवेलेबिलिटी का कॉलम दिखाएगा कि इस एड में आप अवेलेबल टू यूज है, मींस आप इस चीजों को यूज कर सकते हो किसी अदर हेड के लिए। जैसे ही आप और नीचे आएंगे, नीचे आने पे आपको पता चलेगा कि हाँ, अब आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं किसी अदर हेड में भी। उसमें ऑप्शन होंगे IGST, CGST, SGST, उसको चूज करिए कि हाँ, उसमें वो कैश लेजर में बैलेंस कौन सा है, टैक्स है या फिर इंटरेस्ट है या फिर पेनल्टी है, उस चीजों को चूज करिए। उसके बाद उसे किस में एडजस्ट करना है, उन चीजों को चूज करिए। चूज करने के बाद उस फॉर्म में अमाउंट भरिए कि किस हेड में आप इसे एडजस्ट करना चाहते हैं। उस अमाउंट को भर के आप उसे फाइल कर दीजिए। जैसे ही आप उसे फाइल करेंगे, फाइल करने के बाद एज यूजुअल, जैसे ही एक ARN जनरेटर होता था किसी भी मींस किसी भी फॉर्म को जब आप फाइल करते हैं जीएसटी पे, तो आपको इंटीमेशन मिल जाता है SMS के थ्रू, और मेल पे भी आपको एक ARN नंबर मिल जाता है। उससे आप इन फ्यूचर ट्रैक भी कर सकते हैं, और वो फॉर्म सारे फॉर्म्स की तरह अवेलेबल भी हो जाएगा PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद आप उसे ट्रैक भी कर सकते हैं, इमीडिएट इफेक्ट भी हो जाता है इंस्टेड ऑफ अप्रूवल। जैसे ही आपका अप्रूवल होगा, तुरंत ही आप उसको देख सकते हैं कि हाँ, आपने उसे पेनल्टी के अगेंस्ट एडजस्ट किया था या फिर इंटरेस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट किया था, वो चीजें आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये था फॉर्म जीएसटी PMT 09, जिसमें आप अपने लेजर्स के बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हो इधर से उधर। और सबसे बड़ी अगर इसमें खुशी की बात है, तो आप इसे एक बार नहीं, दो बार नहीं,
तीन बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स जितनी भी बार आप चाहें। अभी तक इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं आई है जिस पे आप इसको मींस यूटिलाइजेशन पे रोक लग जाए। आप कितनी भी बार इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बस आपको एक दूसरे वाले का अप्रूवल का वेट करना होगा। जैसे ही वो अपडेट होता है तुरंत आप सेकंड फिर से फाइल कर सकते हैं। आप अपने फाइल्ड जीएसटी पीएमटी 09 को उसी सेम वे से देख भी सकते हैं, सर्विसेज में जाके, लेजर्स में जाके, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स में, उसमें आएगा व्यू फाइल्ड फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। ये थी दोस्तों एक अनाउंसमेंट जीएसटी से रिलेटेड। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो मैं PFMS पोर्टल पे चेक करके बताऊंगा कि रिफंड कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं और जीएसटी पोर्टल पे कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं। उससे पहले आप एक वीडियो देखिए जो मैंने अनाउंसमेंट बताई थी जीएसटी रिफंड से रिलेटेड। दोनों के लिंक आपको इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स।